जी बेटा प्लीज लिसन. फर्स्टली टुडे वी विल डिस्कस द एनसीईआरटी टॉपिक ऑफ कंस्ट्रक्शन. आफ्टर देन वी कैन डू द एक्स्ट्रा. सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा में कुछ ज्यादा नहीं. ओके मेरे पास जो है कंस्ट्रक्शन में एनसीईआरटी बेटा. हाँ जी बेटा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में जो टॉपिक है वो एक लाइन को डिवाइड करना, एक लाइन को डिवाइड करना इन अ पर्टिकुलर रेशियो. मान लीजिए मेरे पास दिया है कि वन लाइन इज 2.5.2 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:6. ओके इसके दो मेथड्स है. जो छोटा क्वेश्चन है ना वन मार्क का या टू मार्क्स में पार्ट बन के दो क्वेश्चन आ जाए है ना, उसमें बेटा कई बार दोनों मेथड्स पूछते हैं. आपको दोनों मेथड से आना चाहिए. अब पहला मेथड क्या है ध्यान से सुनिए. हम क्या करते हैं 5.2 ली सेंटीमीटर, एक्यूट एंगल इधर बनाया, एक्यूट एंगल इधर बनाया, बना लिया. नाउ व्हाट दे हैव रिटन, किस रेशियो में डिवाइड करना है, 5:6 में. तो 5 आर्क्स जो पहले वाली रेशियो होती है ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 इस आर्क को इक्वल लेंथ में रखना है. आप ये नहीं कर सकते कभी छोटी कभी बड़ी, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट. वंस यू हैव ओपन द कंपास तो आपने इक्वल आर्क्स लगा देनी. आफ्टर देन यू कैन कट हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगा दी. अब यहां से लास्ट वाली को, मतलब अगर ये ए बी है, हम यहाँ A1, A2, A3, A4, A5 को लेबल कर रहे हैं ना, यहाँ पर B1, B2, B3, B4, B5, B6 तो यहाँ पर B वाले को A5 से A वाले को B6 से ज्वाइन करते. और यही क्वेश्चन आपको ना पेपर में आ जाता है वन मार्क का. पता कैसे लिखा होता है, इफ वी हैव अ लाइन इतने सेंटीमीटर एंड वी वांट टू कट डिवाइड इट इन रेशियो 3:4 एंड वी ड्रॉ अक्यूट एंगल एट ए एंड अक्यूट एंगल एट बी है ना, एट व्हाट पॉइंट बी विल बी ज्वाइन. बी को किसके साथ ज्वाइन करेंगे अगर हम दो पैरेलल बना रहे हैं. ओके हम बी को किसके साथ ज्वाइन करेंगे, तो अब बेटा उसके लिए हमने क्या करना है यहाँ पर, व्हाट वी विल डू. हाँ जी बेटा, तो आप क्या लिखोगे, B will be joined to A 5. यहाँ A 5, वहां पर A 3, अगर 3:4 में. ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि उसने क्या कहा है, एक्यूट एंगल ऊपर और नीचे ड्रॉ करने को कहा है कि वन साइडेड वाला बनाए. ये टोटली क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कैसा उसने हमें ड्रॉ करने को बोला. तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि अगर मैंने बी को ज्वाइन करना है तो ऑब्वियस है ए 5 से ज्वाइन करूंगी, ए को ज्वाइन करना है तो बी 6 से, मतलब लास्ट लास्ट वाले से. अभी मैंने कहा कि अभी तो मैंने की नहीं, अभी तो करना है इसके बाद मैंने. ठीक है अब मैं कुछ बोल रही हूँ अभी. हाँ जी एंगल एक्यूट एंगल्स होते हैं, आप जो मर्जी बना लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है एक मिनट बैठिए. हाँ हाँ अक्यूट एंगल बनाओगे तो 60-60 बन जाता है अपने आप. पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं एक्चुअली, हम हमेशा ये पैरेलल ड्रॉ करते हैं. ठीक है कि नहीं. अच्छा अब यहां से तो मैंने कह दिया कि इसको इससे, अब मैंने डिवाइड का कॉन्सेप्ट बताना था यहाँ पर, तो ऑब्वियस है जब मैंने डिवाइड का कॉन्सेप्ट बताना है तो मैं किसको किसको, मैंने 5:6 को डिवाइड करना है तो मैं ए 5 को बी 6 से ज्वाइन करूंगी तभी ये किससे डिवाइड होगी. अगर वो अब क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है कि उसने कैसे पूछा, अगर वो कह रहा है कि मैं किसको किसको ज्वाइन करूं कि ये रेशियो में डिवाइड हो जाए, तो ऑब्वियस है तब आप बी 6 को ए 5 से डिवाइड करोगे. मैं आपको बार बार कह रही हूं कि वो क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है इस पे डिपेंड करता है. ठीक है ना, तो अगर उसने कहा कि मैं किन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूं कि ये लाइन जो है वो क्या करे 5:6 में बाइसेक्ट हो जाए, तो ऑब्वियस है एंड एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे किसको, ए 5 को बी 6 से ज्वाइन कर. समझ आ गई. ओके अब नेक्स्ट
मेरे पास ये तो था जिसमें मैंने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की और लास्ट लास्ट वाले को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो अपने आप मेरा वो डिवाइड हो गया। अपने आप देखना 5:6 है ना, ये वाला पार्ट कम होगा, ये वाला पार्ट ज्यादा होगा, क्योंकि 5:6 होगा। अच्छा, कई बच्चे इसको ज्वाइन भी नहीं करते हैं, रहने दो, हमने तो रेशियो में डिवाइड करना है, आप मत ज्वाइन करो। हम कई बार डॉटेड ये लाइंस ज्वाइन बच्चों को कहते हैं कि ये ज्वाइन कर लो, आपने नहीं भी की हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेट एम मेरा इसको डिवाइड करना होता है, तो इसको इसको ज्वाइन करना होता है। ओके, समझ आ गई। अब नेक्स्ट मेथड सुनिए, जिसमें हम एक ही साइड पे बनाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जितनी रेशियो दी होती है ना उसको एड करते हैं। 5:6 दिए और यहां से मतलब हमने वो लाइन यही लेनी है 5.2, मैंने एक्यूट एंगल ऐसे ही बनाना है, ऊपर वाला पार्ट इतना ही है। ओके, अब देखो, अब यहां पर बेस्ड 1 मार्क का क्वेश्चन जो पार्ट 1 के आता है, वो पता क्या पूछता है, हाउ मेनी मिनिमम लाइंस और आर्क्स यू विल पिट ऑन ए लाइन टू मेक द कंस्ट्रक्शन और टू डिवाइड द लाइन इन द रेशियो दिस। तो तब आपने कहना है मिनिमम लाइंस पता कितनी, दोनों को प्लस कर लो, 5+6=11, यानी 11 जो है मिनिमम आर्क्स लगाने जरूरी है। मिनिमम पूछा ना, 11 लगेंगे, यूज ही 11 होती नहीं है, तो इसीलिए वो वर्ड मिनिमम डाल, बच्चा कोई एक्स्ट्रा डाल दे हमें कोई लेना देना नहीं, हम कहां तक यूज करते हैं 11 तक। अब मैंने आर्क्स लगाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बात समझ आई। अब मैंने यहां पर लास्ट, अगर अब वो यहां पर कहता कि मेरे पास ए बी लाइन है और मैंने इसको 5:6 में डिवाइड करना है और मैंने एक आर्क लगाई, एक क्यूट एंगल बनाया ए पे, और बताओ मिनिमम कितनी आर्क्स लगानी है, तो आपने बोल दिया 11। और अब वो बोले कि मैं बी को किस पॉइंट से ज्वाइन करूंगी, ए 11 से, यहां एक ही ऑप्शन है बी को ए 11 से जोड़ने की, क्योंकि पहला काम होता है लास्ट लास्ट को ज्वाइन करना। अब मैंने डिवाइड करना है ना, जब डिवाइड करने के लिए मैं कहां पर बनाऊंगी एंगल इसके पैरेलल, मतलब लाइन बनाऊंगी, 5:6 पे डिवाइड करना है, तो फिफ्थ वाले को, मतलब ये A1, A2, A3, A4, A5 पे इसके पैरेलल मैं क्या बनाऊंगी, एक लाइन बनाऊंगी, ठीक है ना। अब इसके पैरेलल बनाने के लिए मैं तो बच्चों को, मैंने आपको आगे भी बताया, हम चलाकी खेल सकते हैं, क्या करें, आराम से स्केल रखें और ऐसे बना लें बिल्कुल पैरेलल। अगर नहीं बनता तुम डी लो, डी लो, डी से ये एंगल मैयर करो, मैयर किया, यहां पर उतनी डी रख के वो एंगल का मार्क लगा दिया, लाइन ज्वाइ कर दी, अब आराम से एंगल ऐसे कट कर, किसको क्या पता तुमने पहले कौन सा बनाया, हमने तो सही तरीके से बना, जिसको पूरी तरह आता है वो पूरी तरह बना दो। अब अपने आप देखो, अगर वो कहता कि मैं किस कहां पर इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करती, तो आपने कहना था A5 पे रख के मैं इस लाइन के, मान लो ये B है और ये A11 है, तो ऑब्वियस है A5 पे रखती, ये क्वेश्चन पे डिपेंड है ना, वो कैसे पूछ रहा है आपसे। मान लो 2 मार्क्स में वो आपसे डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन बनाने को ना पूछे और 2 पार्ट्स में यही क्वेश्चन पूछ ले, पहले कितनी मिनिमम आर्क्स बनाओ, फिर अगला मैं किस पॉइंट पे रख के अगली पैरेलल लाइन बनाऊ, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते 1-1 मार्क के क्वेश्चंस। पता चल गया बेटे, बेटा ये तो डिपेंड करता है ना उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, इफ दे राइट की ड्रॉ द फिगर है ना, अगर उसने 1+1 लिखा तो सीधा आंसर भी लिख सकते हैं हम, एंड टोटली डिपेंड्स अपॉन वहां स्टेटमेंट की फॉर्म कैसे। मैं कहूं फिगर ना बनाओ जी, वहां लिखा हो नीचे ड्रॉ, जस्टिस थोड़ा। ओके, यू हैव टू सी द मार्क्स, यू हैव टू सी कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो पूछ रहा है, समझ आ गई सबको, ये दोनों में कोई डाउट तो नहीं। फिर मैं रिपीट कर रही हूं, यहां ये लाइंस आपने नहीं भी ड्रॉ करी चलेगा, बच्चे कहीं नहीं भी 50% बच्चे ड्रॉ करते हैं 50% है, बट ये लाइन तो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी ना लास्ट लास्ट, इन ऑर्डर टू डिवाइड इट इन अ पर्टिकुलर रेशियो। लेकिन यहां पर तो डिवाइड करने के लिए दोनों लाइंस चाहिए, यहां पर भी लास्ट लास्ट को ज्वाइन करते हैं, यहां पर भी
लास्ट लास्ट को ज्वाइन करते हैं उसके पैरेलल इधर ड्रॉ करते हैं। यस दक्ष, हाँ जी बेटा, हाँ जी दक्ष, वो डी से क्या करना है एक मिनट बता दो। बेटा मैंने डी से ये कहा कि यहाँ पर डी रख के ना, इस लाइन पर डी रख के मैं आपको करके दिखाती हूँ, वेट। क्योंकि वैसे तो आप एंगल सीधा भी बना सकते हो जिन बच्चों को आता है, बट नॉर्मली बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि व्हाट यू हैव टू डू, ये देखो जरा, मैंने यहाँ डी रखी, ये लाइन इधर है, इसका जीरो नीचे है, मैंने ऐसे मार्क कर लिया डी पे कि ये 60 से एक पॉइंट कम है, रखा मैंने, मुझे पता है मैंने ए फाइव पे बनाना है, ये रखा। देखो मैंने रफली बनाया था, गलत था ना, है ना, अगर मैं ओरिजिनल देखूं तो मेरा वो ये मार्क होना चाहिए, यानी मेरा एंगल ये ऐसे बनना चाहिए बिल्कुल, फिर यहां आग करके कट लगा दो, आग करके कट लगा, हाँ आग ए फोर ए फाइव पे ही, ए फाइव पे कंपस रख के ये आग लगा दो और ए इलेवन पे कंपस रख के ये आग लगाओ, फिर आपने यहां जहां वो कट कर रही है ना इस लाइन पे, वहां पर कंपस रख के ये क्रॉस लगा देना, यहाँ कंपस रख के ये क्रॉस, अपने आप इक्वल आएगा मैम, बनेगा पैरेलल ही जो दो। हाँ जी 100% पैरेलल बनेगा बेटा, हाँ जी बेटा। अरे नहीं मेजर क्यों करनी, मैंने इसीलिए तो कहा चलाकी कर लो ना, आप चलाकी कर लो, बाद में वो आग लगा दोगे वो अपने आप इक्वल एंगल आएंगे, वो कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। यस प्रिंसी बेटा, हाँ जी बेटा प्रिंसी। मैम फर्स्ट मेथड में जो उन्होंने रेशियो दी है उतने हमने स्मॉल स्मॉल पार्ट्स बनाने हैं। हाँ जी हाँ जी, अगर दे हैव मेंशन 5:6 तो 5 ऊपर वाले में 6 नीचे वाले में, अगर वो कहता 6:5 तो 6 ऊपर वाले में 5 नीचे वाले में, ओके प्रिंसी। और मैम जो रेशियो की फर्स्ट टर्म है वहां से हमने वो बनाना है सेकंड मेथड में, जैसे A5 लिया हमने वहां पे, कैसे कैसे, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया बेटा। A5 कैसे आया जहां से हमने लाइन ड्रॉ करनी है बेटा, सेकंड मेथड में ये 5:6 है तो 5 वाला पॉइंट लेना है, तो 1 2 3 4 5 तो वो A5 ही होगा ना, ओके मैम ओके, है ना। अगर होता 6:5 तो आप A6 पे बनाते, अगली लाइन जो 6 वाली है ना वो अपने आप 1 2 3 4 5 6 अपने आप वो डिवाइड 6 पे ही होती, तो वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ओके प्रिंसी ठीक है। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास जो है ये पहली एक्सरसाइज थी जो लाइन को डिवाइड करनी, इसके है ही उसके ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ लाइन को डिवाइड करने वाले हैं जो हमने कवर कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चंस है ना, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, अरे बेटा उसमें तो एक फंडा अपने दिमाग में सेट कर दो, क्या फंडा है, अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करना है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, इफ आई वांट टू ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, तो बेटा हमेशा क्या करना है, देखिए आप पहले सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए, ओके, आउटसाइड पॉइंट पता होना चाहिए, एम आई राइट, आउटसाइड पॉइंट सर्कल का सेंटर, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। अब इन दोनों का क्या करो, परपेंडिकुलर बेस, मतलब एक नया सेंटर, मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ ना, नया सेंटर पुराना सेंटर, ये पुराना सेंटर है, अब मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये ज्वाइन हो गई, ओके। अब ये नया सेंटर मान लो आ गए, कई बच्चे क्या करते हैं नए सेंटर और पुराने सेंटर का कंपस ओपन करके, नए सेंटर पे कंपस रखी इतना ओपन करके दे ड्रॉ ए सर्कल, तुम ड्रॉ सर्कल भी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, कई बच्चे सिर्फ आर्क लगा देते इतनी और इतनी, ये पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं करते, इट इज अप टू यू, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, अल्टीमेट एम मुझे ये पॉइंट ढूंढना है बस, अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से बस इतना याद रखना है बेटा, ये टेंजेंट, कई बच्चे थोड़ा सा अंदर ले जाते That is wrong. वो तो सीधा ही गोला लगा के हम नंबर काट देते, फिर कुछ भी नहीं देखते, ठीक है ना, तो स्मार्टली इसको और इसको। अब दूसरी बात, वेरिफिकेशन पूछी है नहीं पूछी,
आपसे लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा है नहीं पूछा, आपने मेजर करके बताना ही बताना 100%। और कैसे बताना है देखिए, ए चलो पी ले लेते हैं, पी ए बी, पी ए पी बी, ठीक है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होनी चाहिए। अब एक आधे पॉइंट का फर्क आ जाता है, am I right? गलती होने का डर होता है, काम भी पूरा किया और गलती भी हो गई, तो उससे बेटर क्या कहें? आप पहले वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालो? आपको ये वैल्यू पता है एक्सटर्नल पॉइंट से इंटरनल पॉइंट, मतलब सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट की वैल्यू कितनी है? आपको रेडियस पता है, am I right? ये 90 डिग्री होता है ना, मेरे पास इसके स्केयर में से ये स्केयर माइनस करके अंडर रूट ले लो, ओके? जो वैल्यू आई वन डेसिमल प्लेस तक ले लो, ओनली वन डेसिमल प्लेस तक, है ना, वही वैल्यू इतनी। मान लो आपकी वैल्यू करके ना 9.2 आ रहा था, आपने मेजर की 9.1 आ रहा है, लिखनी कौन सी है 9.2, करो चलाकी। इज इट क्लियर? हमने तो नंबर लेने हैं ना बेटा, इस स्टेज पे तो हमारा क्या काम है, नंबर ना कटे। अब आप 9.1 लिखोगे, आंसर 9.2 का हो, तो मैं तो नंबर काटूंगी ना बेटा। हाँ जी बेटा, अगर उन्होंने कहा हो फाइंड द लेंथ, आप लिखोगे, हर बार लिखोगे, मैं कह रही हूँ मार्क्स काट सकता है टीचर इस चीज पे। मैं क्यों लिखने की आदत डाल रही हूँ? मानो वेरिफिकेशन ना भी पूछी हो, वेरिफिकेशन ना भी पूछी हो, है ना, अगर तो पूछी है और आपको आदत नहीं होती लिखने की, तो आप भूल जाते हो लिखना और वहां से नंबर कट जाते हैं। वेरिफिकेशन का तो एक नंबर है, बेटर है लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? गलती होने का क्या डर है? कोई गलती की डर नहीं है। जब तुमने निकाल लिया 9.2, किसी ने स्केल लेके तो मेजर नहीं करना, पॉइंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, 9.1 9.2 में कितना का डिफरेंस होगा, तो वो हम टीचर्स को बाय प्रैक्टिस पता होती कि इतना है देखो, ओके? तो आपने करेक्ट वन लिखो, जब मैं आपको बोल रही हूँ करेक्ट वन लिखो, यू कैन राइट, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं करना। मेरे पास ये जो डिस्टेंस सेंटर से जितनी दूरी लिया ये आपको पता था, मान लो दिस इज 10, ओके, रेडियस पता था मान लो 4, ओके, तो 100 माइनस 16 का अंडर रूट निकाल लो। अब कई बार वो पूरा डेसिमल नहीं निकलता है ना, तो आप स्क्वायर रूट फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक निकाल, कोई इतना टाइम नहीं लगता है, हार्डली 1 मिनट लगता है और हो जाता है। लिखना ही लिखना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट भी लिखनी है, वेरिफिकेशन भी करो। चलो वेरिफिकेशन तुम अवॉइड कर सकते हो, बट लेंथ लिखने के लिए तुम एक बार एग्जैक्ट निकाल लोगे तो क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको बार बार कहती हूँ जितना करो 100% करेक्ट। वहां स्केल लेके, अगर स्केल ले भी लिया, मान लो टीचर ने मेजर कर भी लिया तुम्हारा, तो वो जहां 9.1 तुमने लिखा आंसर 9.2, वहां नंबर नहीं काटता टीचर, बट अगर गलत लिखा है तब हमें काटने का हक होता, देन वी हैव 100% अथॉरिटी टू रिडक्ट दैट मार्क्स, ओके जी? तो बेटर है आप कैलकुलेट करके लिखा, ओके? समझ आ गई ये बात? ये कॉन्सेप्ट बस दिमाग में रखना, क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए, चाहे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आ जाए, चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, हम सब में बस हमें क्या ढूंढना है, एक सेंटर पता होना चाहिए, एक जहां से टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब जितने क्वेश्चन है ना, सारे के सारे देख लो उसी पर बेस्ड है, ठीक है? तो अब करते हैं एक एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है? लेट अस सी। हाँ, पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, सेम ऐसा ही है। लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 2। What is written there? Construct a tangent to the circle of radius 4 centimeter. मैंने एक सर्कल लिया रेडियस 4 सेंटीमीटर का, ठीक है? From a point on the concentric circle of radius 6 centimeter. अब उसने कहा एक 6 सेंटीमीटर का भी सर्कल क्या है, ड्रॉ कर लो, कर दिया। अब उन्होंने कहा कि मैंने 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल से इस पे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब भूल जाओ ये बाहर कोई सर्कल है, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो पॉइंट पता चल गया कि मैंने यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर, ओके? आप यहां से ड्रॉ कर लो, आप यहां से ड्रॉ कर लो, जहां से मर्जी ड्रॉ कर लो, हर जगह से नीचे से भी उस तरफ ज्वाइन हो जाएगा, टेंजेंट ऐसे ही आ जाएंगे, उसका क्या,
लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट तो सेम ही रहने हैं ना। आप चलो हम यहां ले लेते हैं जैसे भी मान कहते हैं। फिर अगला मेथड क्या था, सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करो, मैंने ज्वाइन कर दिया। फिर क्या था, बाइसेक्टर ड्रॉ किया, नया सेंटर आ गया, क्या करते हैं यहां कंपास रख के इतनी मेजर किया, हाँ जी आंख लगा दिया। अब मैं आंख ही लगाती हूँ, क्योंकि सर्कल बनाओगे तो खिचड़ी सी पक जाती है, वैसे तो है यार आपके लिए मैंने सर्कल भी बना दी। ओके अब यहां से मैंने क्या करना है, यहां पर ये लीजिए, यहां से लो ऐसे बन गए, चेंज थोड़ा होना कोई, आप यहां लोगे तो वो ऐसे बन जाएगा, ऐसे क्या फर्क पड़ेगा। ओके जी जैसे मर्जी ड्रॉ कर लो। मैं दोबारा बता देती, कुछ भी नहीं किया हमने बेटा। अगर मेरे पास, मैं आपको बार बार कह रही हूं कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ आउटसाइड द पॉइंट और सेंटर ऑफ द सर्कल, ये दो चीजें पता होनी चाहिए। जब भी पेयर ऑफ टेंजेंट, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल है और एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल है, 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल से 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल पे क्या ड्रॉ करना है टेंजेंट। मुझे ये पॉइंट आउटसाइड, ये मुझे सेंटर पता है, इसको ज्वाइन किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, नया सेंटर आ गया, कंपास यहां रखी, इतनी ओपन की, आर्क लगाई, लग गई। उसके बाद तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, पी ए बी। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन 100% करेक्ट है ना तो पी ए इज इक्वल टू पी बी आएगा ही आएगा। ओके फिर भी मैं बार बार आपको कह रही हूँ ऐसे समझ में, हम चलाकी जरूर कर दी। एक में 2 पॉइंट मान लो 5.6 आ रही है, दूसरे में 5.7 आ रही है, अरे बेटा समझदारी वहां हमने यूज करनी है, ब्रेन यूज करना है, हम एक जैसी वैल्यू लिखेंगे। अब लिखे कौन सी, तुम्हें तो ये भी प्रॉब्लम होती है मैम, विच वन वी विल राइट, मेजर कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है, ये 4 ओके और ये कितना है 6, 36 माइनस 16 का अंडर रूट, कैलकुलेट करो देखो कितनी आती है, उतनी लिख दो, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन होगी कि नहीं कि कौन सी लिखे, तो क्या कर लो एग्जैक्ट कैलकुलेट कर। अब बात समझ आई सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट इज इट ओके, चलिए ना आए तो अभी स्केयर रूट करना नहीं आता, नहीं हाँ सब कुछ उसका डेसिमल में आ जाएगा, फिर क्या, तभी तो कह रहे 9.6 9.4 9.5 कुछ भी आ सकता। हाँ जी आओ बेटा, अब थर्ड क्वेश्चन तब तक ड्रॉ कीजिए। हाँ बिल्कुल सही है ये, हाँ यहाँ से ये ज्वाइन करो, इधर से ये ज्वाइन करो, ये है तो आंख ही लगी है ना यहाँ पर, जो आप नया सर्कल बनाते हो ना टेंजेंट उसके अंदर से जा सकता है लेकिन सर्कल में से नहीं जा सकता। कई बच्चे पूरा सर्कल बना देते हैं बाद में, उसके अंदर से जा सकता। हाँ ये देखिए बेटा, लेट अस सी, ये आपके पास जो है नया सेंटर, ये पुराना सेंटर, ये देखिए ये आर्क सर्कल पे, ये आर्क सर्कल पे, ओके ठीक है। अब क्या करोगे, ये पॉइंट आउटसाइड द पॉइंट को इस पॉइंट से और इधर इस पॉइंट से क्या करोगे, ज्वाइन करो, बस काम खत्म, क्लियर। अब नेक्स्ट बेटा मेरे पास हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके व्हाट इज गिवन हियर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर, मेरे पास एक सर्कल है 3 सेंटीमीटर का, टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ द एक्सटेंडेड डायमीटर्स Each at a distance of 7 centimeter from its center. अब उसने क्या कहा, मैंने डायामीटर को एक्सटेंड कर देना, कर दिया। अब डायामीटर एक्सटेंड करने पे हमने क्या किया, यहां पर ये कितना एक्सटेंड करना है, 7 centimeter इधर, 7 centimeter इधर, सेंटर से। वर्ड क्लियर कट। अच्छा अगर मैं लिटिल बिट चेंज कर दू,
एक्सटेंडेड फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल, फ्रॉम द सर्कल, मैंने सेंटर वर्ड नहीं लिखा, तो यहां से 7 सेंटीमीटर, यहां से 7 सेंटीमीटर। ओके बेटा, क्लियर। अब आगे हम क्या करेंगे, मेरे पास जो है, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। अब उसने कहा कि क्या करें, ये पी और ये क्यू, अब आउटसाइड पॉइंट्स है, सेंटर है, यहां से यहां परपेंडिकुलर बायसेक्टर। ओके जी, यहां से यहां परपेंडिकुलर बायसेक्टर मेरे पास हो गए। वैसे मैं बता दूं कि ये सर्कल कितने सेंटीमीटर का था, 3, और अगर मैं देखूं तो 3.5 बाहर ही आएगा। थोड़ी सी हम ध्यान इन चीजों को रख सकते। अब नया सेंटर आ गया, पुराना सेंटर है, क्या करते हैं, इतनी कंपास ओपन करते हैं, सर्कल या आर्क। अब खिचड़ी जरूरी पकानी, नो नीड टू डू सो मच टिपिकल थिंग्स की वो ये भी ना पता चले वो भी ना। ऐसे इधर पुराना सेंटर आर्क लगाई, अब इसको इससे, इसको इससे ज्वाइन होगा बेटा ये, ठीक है। ओके, ऐसे ही मैं तो रफ बनाती हूँ बिना, क्योंकि फेयर हम अच्छी तरह सीख चुके हैं। अल्टीमेटली मैं स्टेप्स याद रखो, क्या करना है, समय एक ही स्टेप है, कोई नया तो नहीं ना, है ना। क्या करते हैं, पुराना सेंटर, नया सेंटर ढूंढते हैं, दोनों में कंपस ओपन करते हैं, नए सेंटर पे कंपस रखी, आर्क लगा के या नया सर्कल बनाया, बस वहां से एक्सटर्नल पॉइंट को क्या करना, ज्वाइन। बस आज इतना जाके करना, हार्डली हाफ एन आवर लगेगा इफ यू वॉन्ट कि ये चैप्टर पक्का हो जाए, आज जाके एक बार कर लो, क्योंकि इसके कोई वैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि आगे ट्रायंगल्स की जगह हम स्केयर पैरेलोग्राम सिमिलर ड्रॉ करना बताते, तो वो तो सिलेबस में नहीं है, तो इसके तो कोई एक्स्ट्रा आई नहीं, रेडियस ही चेंज होना, तो क्यों ना इसको हम पक्का कर ले। हाफ एन आवर, जस्ट हाफ एन आवर लगेगा, जो सेम सेम क्वेश्चन है, एक बार जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 छोड़ दो, पढ़ लो कि ऐसे ऐसे फिगर, जैसे मैं रफ बता रही, 3rd कर लो, ठीक है, करके काम खत्म करो, कि ये चैप्टर अब हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े, टाइम नहीं है बेटा हमारे पास। ओके, क्लियर। चलिए लेट अस डू एक एक्स्ट्रा और मतलब डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब एक एंगल वाला, उन्होंने क्या कहा, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल कितना है उस पे, दोनों पे 60 डिग्री, है ना। तो यहां पर क्या करना है, मतलब मुझे दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल दे दिए, यानी अगर देखा जाए तो ये मुझे और ये मुझे ये 60 डिग्री दे दिए। अब मैं इसको ऐसे ड्रॉ ही नहीं कर सकती, तो मुझे उल्टे स्टेप्स चलने पड़ते हैं। क्या मेरे को पता ये ऐसी फिगर बनेगी सेंटर के साथ बनाऊंगी, मुझे पता है ये 90 और 90 सर्कल के चैप्टर में हमने ये कॉन्सेप्ट किया है कि दीज टू एंगल्स, एंगल एट द सेंटर, द सम ऑफ द एंगल एट द सेंटर एंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच, है ना। तो दोनों का सम 180 है, तो ये शो जरूर करना है, दोनों का सम 180 डिग्री है, तो दैट मीन्स कि 60, मैं इसको रफ फिगर इसकी बनानी होती है, 60 प्लस एक्स इज 180 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू 120 डिग्री, यानी मुझे यहां 120 बनाना है, ये अपने आप बन जाएगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है बनाना। तो क्या करूंगी, देखिए सबसे पहले मेरे पास जो है, मैंने सर्कल बनाया, रेडियस, एक रेडियस मैंने बना दिया, यहां 90, अब तुम्हें 90 नहीं बनता बाबू, डी रख के पहले बना लो, बाद में आग शाक शो कर दो, बस गलत मत करो, कंस्ट्रक्शन में चलाकी कर सकते हैं, मेरा वर्ड याद रखना ही, ठीक है, चलाकी करनी है, गलत करने से बेटर है चलाकी कर लो, सामने वाले को नहीं पता चलेगा, मुझे थोड़ा पता आपने पेपर में कौन सा स्टेप पहले किया कौन सा बाद में, ठीक है कि नहीं। तो आप क्या करो, यहां पहले 90 बना लो डी से, उसके बाद चुपचाप आंख लगाओ, कटो, इस पे देखना पूरा आंख आएगा, गलती नहीं होगी अगर आपका सही,
ठीक है जी। दूसरा ये एंगल कितना 120। प्लीज मतलब वैसे शो करके, मतलब आप ये नहीं कि सीधा डी से बना के छोड़ दो तो नंबर कटेंगे, शो जरूर किया ना जी। आपको लगता है आपको एंगल में गड़बड़ी हो सकती है, कंपास हिल सकती है, आप पहले उससे बना लो, डी से बना लो। जब आपने डी से बनाया ये 120 बन गया, अब आंख जरूर लगा दो बेटा। ठीक है जी, ओके लगे। यहाँ 90, पहले डी से बना लो 90, फिर आंख लगा दो। लो जी, पता लगा किसी को? आपको पता चला, मैंने चलाकी की, ठीक है ना। अब ये अपने आप 60 डिग्री का बनेगा, और एंगल जरूर शो करो ऐसे, है ना। और कंपास से ही बनाना है, प्रोटेक्टर से बना के छोड़ना नहीं। चलाकी की है तो किसी को नजर नहीं आनी चाहिए, ओके। हाँ जी दक्ष जी। मैम अगर हम प्रोटेक्टर से बना के छोड़ देंगे तो कंपास खोलने का भी तो होता है कि हम उतनी खोलेंगे मैम, कई बार आग बाहर चली तो जाती है। नहीं जाती बेटा, अगर एंगल सही होगा तो वो कभी भी नहीं जाएगी, इम्पॉसिबल। ठीक है जी, आप मत चलाकी करना दक्ष, आप बहुत सिंसियर हो बेटा, आप चलाकी मत करना, आप सही तरह एंगल बनाओ मेरा बेटा, ठीक है, ओके क्लियर। दक्ष बहुत सिंसियर बच्चा है मेरी क्लास का, तो वो बिल्कुल चलाकी नहीं करेगा। चलो अब ठीक है ना, चलो इज इट क्लियर। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। हाँ अब अगला देखोगे तो फिफ्थ क्वेश्चन, वो लाइन सेगमेंट दी है, उसने कहा एक ए सेंटर से एक उधर से, एक दूसरे के ऊपर क्या बनाओ, टेंजेंट बनाओ। वो फिगर ऐसे बन जाती है, एक सर्कल है ऐसे एक्सटेंड की है, ऐसे बने ना, बहुत लंबी सी काइट साइड बन जाती है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन कराने लगी, जो बच्चों को नॉर्मली लगता है मैम इसमें तो बिल्कुल ही खिचड़ी पक जाती है ना, है ना। एक मिनट रह गया, कल करा लें, कल नया चैप्टर करेंगे बेटा। चलो ठीक है, वी विल डू द दिस क्वेश्चन सिक्स्थ एंड सेवन टुमारो, ओके। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।